हमारी हेयर स्टाइलिश। हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपनी ऑक्सीडाइज इयररिंग्स का कलेक्शन। ये इतने सारे इयररिंग्स। अब आप ये सोच रहे होंगे पाउच में क्यों, तो पाउच में इसलिए कि ताकि ये सेफ रहे। सेफ ऐसे कि जब भी कोई इयररिंग एक दूसरे से टच होता है तो खराब होने का डर रहता है, कलर निकलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इनको पाउच पे रखती हूँ। अब पाउच से सीधे बॉक्स पे, और ये इजी भी होता है। डायरेक्ट देख लिया कि मुझे ये पहनना है, कि मुझे ये पहनना है, लेट्स गो। तो सबसे पहले इयररिंग्स ये वाली है, अच्छी लगती है, बट यहाँ तक आती है और जब मम्मी लोगों के सामने पहनते तो ये डांट पड़ती है कि क्या पहन लिया इतना बड़ा सा। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ बहुत बार होता है, तो आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये रही सबसे पहले इयररिंग्स, कैसी है? ये रही नेक्स्ट वन, बहुत ही प्यारी है। इस पर लिखा हुआ है ओम, तो कितनी प्यारी है, इस पर ओम लिखा हुआ है। ये रही नेक्स्ट वन। ऑलमोस्ट जो ज्वेलरी है वो सारी मैंने न्यू मार्केट से ली है। यदि आप भोपाल पे रहते हो तो न्यू मार्केट आप जानते होगे, न्यू मार्केट से आप ले सकते हो, बहुत सस्ती मिल जाती है। तो ये रही नेक्स्ट वन, अब हम इसको ट्राई करते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। नेक्स्ट वन ये वाली ट्राई करते हैं। ये भी बहुत प्यारी है, झुमकी है, ये देखो, ये भी कितना प्यारा है। ये वाला जो इयररिंग है ये बहुत ही प्यारा है, और ये जो था, ये जो लिया है राजस्थान से लिया है, ये आई थिंक 70 या 60 समथिंग का है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। मुझे एक दीदी ने गिफ्ट किया था, तो मैं आपको उसको पहन के दिखाती हूँ। खाटू श्याम से इसको लिया था, तो वो दीदी गिफ्ट लेकर आई थी। तो अब मैं आपको ऐसी इयररिंग्स दिखा रही हूँ जो आप किस हर चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो, चाहे कुर्ती हो या फिर समथिंग आप कभी इंडो वेस्टर्न को थोड़ा इंडियन लुक देना चाहते हो, तो छोटी सी क्यूट सी इयररिंग्स आप पहन सकते हो, झुमकियाँ पहन सकते हो। और ये वाली जो इयररिंग है वो उज्जैन से लिया था, ट्रेन से, जब हम उज्जैन जा रहे थे ट्रेन से लिया था। ट्रेन में एक बच्चा चिल्ला रहा था इयररिंग्स 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 ओनली 30 रुपीज 30 रुपीज, तो हम लोगों ने वहां से लिया था। तो अब मैं आपको जो इयररिंग्स दिखा रही हूँ, ये वैसे मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है, फ्रेंड ने दी थी। कितनी प्याली है, इसमें हाथी बना हुआ है, बिकॉज मेरी सिस्टर जो है वो गोलू मोलू है, इसलिए उसको हाथी बोलते हैं, तो उसको जो उसने गिफ्ट दिया था। ये शोर थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज जस्ट बगल में रोड है और बहुत ज़्यादा साउंड थोड़ा आ रहा होगा। अब मैं आपको ये इयररिंग दिखा रही हूँ, जस्ट मेरी लिपस्टिक से भी मैच हो रही है। ये इयररिंग्स देख रहे हो, आपने मेरा शॉर्ट वीडियो यदि देखा होगा या फिर आपने मेरा मेकअप वीडियो देखा होगा, तो मैंने उस पर एक ब्लू कलर की पहनी थी, तो ये जो है वो ग्रीन कलर की है। मतलब ये हम लोगों ने मेले से ली थी, आई थिंक 30 रुपीज़ की, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी है। ये देखिए ये जो इयररिंग्स है इसकी ब्लू कलर की है मेरे पास, और बाद में हम लोग को ऐसा लगा कि जो एक पिंक कलर की भी थी कि हमें वो भी ले लेना था, क्योंकि बहुत ही प्यारा है। और फिर अब मैं आपको जो नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ वो एक, ये भी छोटी सी क्यूट सी है, ये मल्टी कलर में, मतलब आप इसको किसी के साथ भी वेयर कर सकते हो। स्क्वायर शेप में है, तो बहुत प्यारी भी है ये, और मल्टी कलर है, आप इसको मतलब किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट आपको मैं जो दिखाऊंगी वो भी मल्टी कलर पे है, बस ये, तो
तो ये जो एक फ्रेंड है उसने दिया था, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सो ये जो ज्वेलरी है मतलब मेरी फ्रेंड ने दिया था, और ये ओरिजिनल ऑक्सीडाइज है। बहुत हैवी है ये, मेरा कान भी नहीं सह पाया इसका वजन। तो मतलब ऐसे ही देख लो, ये हैवी है थोड़ा सा, और ये 350 की है, 360 की है, तो ये भी बहुत प्यारी है। तो ये रही नेक्स्ट वन। मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देखा होगा ना, जब मैं भोजपुर गई थी तो मैंने ये इयरिंग्स पेयर की थी, और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। मतलब ये ऐसा है कि वन झुमकी के अंदर छोटी सी झुमकी, फिर छोटी सी झुमकी, फिर छोटी सी झुमकी, कितनी प्यारी है देखा। अमेजिंग, ये मुझे बहुत पसंद आई थी जब मैंने फर्स्ट जब लिया था, तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे ये। और बहुत लाइट वेट है, ऐसा नहीं कि ये अटैच है तो आपको लगे कि बहुत हैवी है, बहुत लाइट वेट है। ये वाली जो झुमकी है वो 200 समथिंग की, और आई थिंक इसको हम लोगों ने DB से लिया है, और इसका जो प्राइस है वो 200 है, और बहुत ही प्यारी है। और इसकी जो वर्क है मतलब जो ये आर्ट है यहाँ पे, वो बहुत ही फिनिशिंग से बनाया गया। मतलब कहीं पे ऐसा होता है ना कि कुछ मर्ज हो जाता है तो वो क्लियरली नहीं दिखता, बट ये बहुत ही प्यारी है। सो ये वाली झुमकी देखिए जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। फर्स्ट टाइम इसको अनुष्का शर्मा ने वेयर की थी, उस टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुई थी ये। माई फेवरेट वन, ऑलमोस्ट सभी फेवरेट है, बट मुझे ये इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज इसमें एक तो मल्टी कलर है, ठीक है। आप नॉर्मली जैसे आप स्कर्ट वेयर कर रहे हो तो आपने वाइट कलर की शर्ट पहनी है समथिंग, उस पर आप इसको वेयर करो एंड गुड, बहुत प्यारी लगती है। कुछ मत वेयर करो, सिर्फ इसको वेयर करो और बहुत प्यारी लगती है। या फिर आपने कुर्ती पहनी है लाइट वेटेड, आप चाह रहे हो थोड़ा सा हैवी लुक आए, तो आप इसको पहन लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। एंड अभी तक इसकी एक भी मोतियाँ नहीं गिरी हैं इसमें। आप इसे कलर देख रहे हो, देखो कितना प्यारा फिनिशिंग है। जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आपको इनको वेयर करके दिखाती हूँ। देखिए लास्ट वन है, उससे ज़्यादा बोल झुमकी को देखिए, मतलब क्या इट लाइक लव वाला जो फील आता है ना, बस वही वाली है। ये है, हमने इसको दोनों कानों पर पहन लिया है, ये देखिए। एंड ये जो नेक पीस है, इसका वीडियो में मैं आपको बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो है ये, मैं अभी कल परसों पे लेके आई हूँ। और ये भी बहुत प्यारे पीसेस थे, मतलब ये भी न्यू मार्केट से लाई हूँ, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो अभी आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक इट, एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि मैं नेक पीसेस, ऑक्सीडाइज कलेक्शन के जो नेक पीसेस है उनकी वीडियोस लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उनकी भी यदि आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाऊँगी। सो बाय बाय, टाटा। और वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करके जाइएगा।